हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और टारगेट जूनियर सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसमें आज मैंने और एड ऑन नहीं करे हैं। जो लोग ग्रामर का पार्ट देखना चाहते हैं वो नाउन की सीरीज देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें आज और कोई वो नहीं करा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और बड़ी परेशानी के बीच में मैं ये वीडियोज जो है वो बना पा रही हूँ। तो इसीलिए मेरी तबीयत को समझते हुए प्लीज ये समझ लीजिएगा कि मैं जो है नहीं कर पा रही हूँ इस समय। इतना वो प्रेशर नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि परेशानी कुछ ना कुछ चीजें सभी की जिंदगी में होती हैं। कुछ इस समय मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से काफी मेरा दिमाग डिस्टर्ब्ड भी है। तो इसलिए मैं जितना अभी कर पा रही हूँ उतना ही कर पा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आज इसका जो है लिटरेचर के क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं इसमें, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अराबेला फॉर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप। अराबेला फॉर्मर जो कैरेक्टर है वो पोप के बहुत ही फेमस मॉक एपिक जो पहले दो कैंटोज और फिर पांच कैंटोज में आया था, यानी कि द रेप ऑफ द लॉ, उसमें हमें ये कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है बेलिंडा। अराबेला फॉर्मर जो है वो अराबेला फॉर्मर कैरेक्टर नहीं है, अराबेला फॉर्मर को एज अ कैरेक्टर बेलिंडा के रूप में दिखाया गया है पोप के मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक में, जिसके बाद उसमें वो काफी ज्यादा चिढ़ भी गई थी इस चीज से। द रेप ऑफ द लॉक मॉक हीरोइक एपिक है क्योंकि नियो क्लासिकल एज में एपिक्स नहीं लिखे गए हैं, मॉक हीरोइक एपिक्स लिखे गए। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज द ब्लैक डेथ इज रेफर्ड टू। ये ब्लैक डेथ थी क्या? चौसर के बात करते हैं अगर कि ये ब्लैक डेथ क्या थी। ये ब्लैक डेथ एक ब्यूबोनिक प्लेग था जिस वजह से इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। ये चूहों से फैलने वाली एक बीमारी थी जिसकी वजह से जो शरीर होते थे वो बिल्कुल काले पड़ जाते थे। जो वो जो बैक्टीरिया था वो ट्रांसफर होता था और बिल्कुल शरीर काले पड़ जाते थे। इस प्लेग की वजह से बहुत ही ज्यादा लोग बहुत संख्या में मारे गए थे और उनमें से भी सबसे ज्यादा क्लर्जी मरे थे, जिस वजह से जो पावर थी मतलब जो क्लर्जी जो एक चर्च में बहुत मतलब कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छी पोस्ट पे बिठा दिया गया था और फिर तो बात वही हो गई थी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए ये था, ये द ब्लैक डेथ वाज द प्लेग ऑफ 38 से 50 के बीच में बोला जाता है द प्लेग ऑफ, जिसे कहा जाता है ब्लैक डेथ। हॉरिस वॉलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ। एक ये नॉवेल्स आए थे गोथिक नॉवेल्स। गोथिक नॉवेल्स का मतलब होता था जिसमें हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हुआ करते थे। हॉरिस वॉलपोल एंड एन रेडक्लिफ ये दोनों ही द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो ये जो है ये दोनों के दोनों जाने जाते हैं गोथिक नॉवेल्स के लिए। ये आए थे रोमांटिक एज में तो ये है गोथिक नॉवेल्स के लिए ये जाने जाते थे। लेवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय, लेवियाथन किसने लिखी है? लेवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय थॉमस हॉब्स, जिस ये एक राजा के सपोर्टर हुआ करते थे। इन्हें मतलब ये राजा के सपोर्टर होने की वजह से, ये पार्लियामेंटेरियंस के अगेंस्ट से राजा के सपोर्टर होने की वजह से इनको भी काफी तकलीफें सहनी पड़ी। इन्होंने ये वर्क लिखा लेवियाथन द जायंट मॉन्स्टर। तो ये वर्क है लेवियाथन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हॉब्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642। 1642 में जब पहली बार जब इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हुए थे, पार्लियामेंट ने कुछ हद तक पावर जो है वो अक्वायर कर ली थी, तो सबसे पहले उन्होंने थिएटर्स बंद कराए थे क्योंकि उनका यह मानना था कि थिएटर्स जो है वो इमोरलिटी फैलाते हैं। तो 1642 में थिएटर्स वर क्लोज, जो कि दोबारा से खुले थे 1660 में रेस्टोरेशन के साथ, यानी कि जब चार्ल्स सेकंड गति पर आए थे। द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज, जो मैन प्रिंटिंग लाए थे इंग्लैंड में, दैट वाज विलियम कैक्सटन, जिनकी बुक थी जो पहली पब्लिश हुई थी जो इंग्लैंड की सरजमीन पर हुई थी, वो थी द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। और जो उन्होंने इंग्लैंड में जब लाए भी नहीं थे लेकिन पहली बुक जो विलियम कैक्सटन ने प्रिंट करी थी, दैट वाज द रिसाइकल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। अ रेजिन इन द सन इज अ फेमस प्ले बाय, रेजिन इन द सन इज अ फेमस प्ले बाय लॉरेन हैंसबरी। ये एक ब्लैक फैमिली की कहानी है अ रेजिन इन द सन।
टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, भाई टेबल टॉक जो है इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, ये विलियम हैजलेट की कलेक्शन ऑफ एसेज है, पोयम है कॉलरिज की, और कलेक्शन ऑफ एसेज है हैजलेट का, द रोमांटिक राइटर विलियम हैजलेट. चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1859. चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में आई थी. यही वो एरा था विक्टोरियन एज का, कॉन्फ्लिक्ट का एरिया, और चार्ल्स डार्विन की स्पीशीज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से ही लोगों को ये पता लगा था कि भाई वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ हैज नॉट क्रिएटेड अस, और हम जो है वो मॉलिक्यूल्स और जो है उनके बने हुए हैं, और हमारा जन्म जो है कोई हम एक अलग से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भगवान का चोजन वन है. तो इससे लोगों को धन पर से विश्वास जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गया था. तो ये है चार्ल्स डार्विन की ये किताब आई थी 1859. द कैप्टिव लेडी इज अ नैरेटिव पोयम बाय, ये कैप्टिव लेडी जो नैरेटिव पोयम है ये है माइकल मधुसूदन दत्त की पोयम है द कैप्टिव लेडी. Who among the following is known for practical criticism? Practical criticism आप सबने जो ये किताब भी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, एमए में लगी हुई भी है. Practical criticism जो है वो किसकी है? That is I.A. Richards. I.A. Richards जो है he is among the following for known for practical criticism. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है? John Gay का The Beggars of Opera बिल्कुल सही है. Samuel Johnson का Irene बिल्कुल सही है. Sheridan का Rivals बिल्कुल सही है. William Congreve Comedy of Manners के जन जाते थे ये बिल्कुल गलत है. The School for Abuse भी Sheridan का है. तो इसीलिए ये William, ये आपका option यही वाला है, William Congreve. Imagism is a school of poetry that flourished under the leadership of. Imagism जो school है that flourished under Ezra Pound. Ezra Pound के नेतृत्व में Imagism जो है प्रतीकवाद फला फूला. The use of expression passed away for died is an example of. जब कभी हम किसी बुरे एक्सप्रेशन को किसी अच्छे एक्सप्रेशन से बदल देते हैं तो उसे कहा जाता है यूफिमिज्म. जैसे डाइड की जगह पास्ट अवे, प्रेग्नेंट की जगह फैमिली वे, तो ये जो होते हैं यूफिमिज्म के एग्जांपल होते हैं. एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स इज कॉल्ड, राइम नहीं है मगर मीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्लैंक वर्ड्स. ना राइम हो ना मीटर हो, फ्री वर्ड्स, वर्ड्स लिबरे. Man is only half himself, the other half is expression. ये question जो है ये आया हुआ question है एक exam में, मैंने जैसा था वैसे का वैसे ही ले लिया. अब man is only half himself, the other half is expression. ये question के सारे option गलत है क्योंकि ये जो line दी है ये बोली है ये Ralph Waldo Emerson ने कही है, ये Emerson की lines है, अमेरिकन पोएट एमर्सन ने कहा है, तो इनमें से कोई है ही नहीं. ये कहा है किसने? रेल्फ वेल्डो एमर्सन. अ प्ले डिजाइंड फॉर रीडिंग देन फॉर परफॉर्मेंस इज, एक प्ले जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है स्टेज पे परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं, उसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड ड्रामा. जैसे सैमसन एगेनिस्टिस है, तो ये जो प्लेज होते हैं ये केवल पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं. विच ऑफ द विच ऑफ हिज नॉवल इन हार्डीज वर्ड टेल्स ऑफ अ डेडली वॉर वेज बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स. हार्डी का कौन सा नॉवल है? तो वो है जूट द ऑब्सक्योर. आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जूट द ऑब्सक्योर, जिसको के वजह बाद जो है हार्डी को नॉवल्स लिखना भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि इसमें हार्डी ने लिव इन रिलेशनशिप और काफी ओपनली जो है वो टैबूड थिंग सेक्स के बारे में बात की थी, इसीलिए ये नॉवल जो है ये इसके बाद हार्डी को इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था कि ही हैड टू लीव राइटिंग.
Who among the following regarded Saturn as the real hero of Paradise Lost? सबसे पहले अगर हम बात करें तो Paradise Lost जो कि मिल्टन की लिखी हुई पोयम है, मिल्टन ने Paradise Lost का हीरो एडम को ही बताया है, लेकिन क्रिटिक्स के बीच में ये हमेशा रहा है कि who is the real hero of Paradise Lost? तो ये सबसे पहले कहने वाले थे ड्राइडन, जिनका ये मानना था कि सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद तो बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था? ड्राइडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेटायर, इनमें से कौन सा सेटायर नहीं है? तो ये देखिए, डॉन क्विक्सॉट, द मेडल, द एल्केमिस्ट, डॉन जुआन। Which of the following is not a satire? तो भाई एक बात करते हैं, डॉन को एग्जॉर्ट हो, सर्वेंटीज का द मेडल हो, ड्राइडन का एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन, डॉन जुआन बाय बायरन, सारे के सारे सेटायर है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये भी कीजिए एग्जाम में, तो ऑल ऑफ दीज आर सेटायर, ये सारे के सारे जो हैं सेटायर है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, एफ क्वेश्चन हो गया। The line poets are the unacknowledged legislators of the world is by, ये lines जो है वो कही गई है पी वी शैले के द्वारा in defense of poesy, defense of poetry में उन्होंने ये चीज कही है, जो उन्होंने कहा कि poets are the unacknowledged legislators of the world. Man can be destroyed but cannot be defeated, कि इन सब आदमी बर्बाद हो सकता है मगर जो है वो कभी भी हराया नहीं जा सकता। ये लाइंस है ओल्ड मैन एंड द सी की, ओल्ड मैन एंड की नेचर, द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट नेचर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये लाइंस है एंडीवियन की, कीट्स की पोएम, एंडीवियन जिसके लिए कीट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, 4000 लाइंस हैं इस पोएम में, तो ये लाइंस हैं एंडीवियन की लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज अ सेटायर ऑन द गोथिक नॉवल, गोथिक नॉवल्स पे जेन ऑस्टिन का कौन सा नॉवल जो है वो सेटायर था? दैट वॉज नॉर्थएंगर एबे। Who is afraid of Virginia Woolf is a dash by Edward Elby. It's a play जो कि एक middle class में middle aged couple के बारे में है। तो who is afraid of Virginia Woolf is a play by Edward Elby. The word catharsis, catharsis का मतलब होता है purgation of feelings, purge, cleaning, purgation of feelings. और ये जो वर्ड है ये लिया गया है कहां से? मेडिसिन। दिस वर्ड हैज बीन टेकन फॉर फ्रॉम मेडिसिन। सैमुअल बटलर्स हुडी ब्रास इज अ सेटायर, सैमुअल बटलर ने हुडी ब्रास जो लिखा था जिसके लिए उन्हें पेंशन भी मिली थी, ये हुडी ब्रास जो है ये वैसे तो प्यूरिटन्स पे है, अगर आप इसमें ये है क्रॉमवेलियंस या प्यूरिटन्स के ऊपर जो क्रॉमवेल को मानने वाले थे उनपे बड़ा बिटर सेटायर है। पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन पोएट्री एक इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स है, ये किसने कहा है? इट इज सेड बाय एज्रा पाउंड, ये एज्रा पाउंड का कहना है। बर्टोल्ट ब्रेट इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ, बर्टोल्ट ब्रेट इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर, जिसमें एलिनेशन का इफेक्ट दिया जाता है, जिसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं दे डोंट हैव टू इमर्स वेल इन देयर कैरेक्टर्स, बल्कि उनको ये दिखाना है कि वो कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग हैं। तो ये एपिक थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? बर्टोल्ट ब्रेट के द्वारा। As per Dash, the metaphysical poets felt their thoughts as immediately as the odor of a rose. ये और कोई नहीं कह सकता, ये कहा गया है T.S. Eliot के द्वारा। T.S. Eliot का ये मानना था कि भाई metaphysical poets अपनी their thoughts as immediately as the odor of a rose, इनका ये मानना था कि भाई Tennyson और Browning अपनी poem को उस तरीके से enjoy नहीं कर पाते as metaphysical poets used to. Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability?
या और कोई हो ही नहीं सकते हैं, ये हो सकते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने लिखी है लाइफ ऑफ पोएट, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, और इन्होंने ही कहा है कि ये लिसिडस में इनहेरिट इम्प्रोबेबिलिटी है। उनका यह मानना था कि ये पूरी तरीके से एलिजी है ही नहीं, क्योंकि इसमें मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री, इसमें उन्होंने ये मतलब थ्योरी ऑफ पोइट्री के बारे में भी बताया है कि भाई अपने विचार उसके अलावा उन्होंने लिसिडस में क्लर्जी को भी क्रिटिसाइज किया है। तो सैमुअल जॉनसन का मानना था दैट इनहेरिट इम्प्रोबेबिलिटी। एपिथेलेमियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट। एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन जो कि स्पेंसर के द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई थी सेलिब्रेट करने के लिए मैरिज सॉन्ग। तो ये मैरिज सॉन्ग है, मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई। द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज, ऑथर है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि गॉडविन, यानी कि जो कि एक अनार्किस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखा था, उनकी वाइफ थी, और ये पहली फेमिनिस्ट राइटिंग मानी जाती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रेफेलाइट। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड विक्टोरियन एज में आया, जिसका जो लीडर माना जाता है वो डीजी रोजेटी को माना जाता है, इसे ही फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहा गया है। इनमें से कौन सा प्री रेफेलाइट नहीं है, तो क्रिस्टीना रोजेटी, विलियम मॉरिस, स्विनबर्न, ये तो है, कौन नहीं है, सिल्विया प्लैथ। अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लैथ। इन ग्रीक माइथोलॉजी एफ्रोडाइट इज द गॉडेस ऑफ लव। एफ्रोडाइट जो है वो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, वीनस। इलियड इज रिटन इन, इलियड जो है ये तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ही गलत हो गए हैं। इलियड इज रिटन इन 24 बुक्स है, 24 बुक्स में है इलियड जो है भाई, ये जो है इलियड ओडिसी, ये 24 बुक्स में है, 4, 5, 10, 12 नहीं, दैट इज 24 बुक्स। सर थॉमस मोरे द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू, यूटोपिया जो इन्होंने लिखी है कि प्लेस नोवेयर टू फाउंड, और सर थॉमस मोरे जिन्हें सेंट थॉमस मोरे भी कहा जाता है, इन्होंने हेनरी एट के सामने झुकने से मना कर दिया था, तो इस वजह से इनको जो है एग्जीक्यूट करवा दिया गया था। तो सर थॉमस मोरे बिलोंग टू इंग्लैंड। सर्वांटीज ऑथर ऑफ डॉन क्विक्सोट बिलोंग टू, सर्वांटीज डॉन क्विक्सोट के ऑथर बिलोंग टू स्पेन। द डिवाइन कॉमेडी नरेट्स दांतेज जर्नी फ्रॉम, दांतेज जो कि इटालियन पोएट थे और जिन्होंने जो है डिवाइन कॉमेडी लिखी है, और डिवाइन कॉमेडी एक एपिक है, पोएम है जिसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें उन्होंने अपनी जो जर्नी बताई है हेल टू पैराडाइज, ये हेल हेवन टू हेल नहीं, हेल टू पैराडाइज, हेल टू पैराडाइज बताई है, हेल टू हेवन। द नॉर्मन्स कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन, नॉर्मन्स ने जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ये आया था 1066, जिसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग क्लास का इंग्लैंड पर शासन हो गया था। इन द वॉर ऑफ रोजेस, रोजेस स्टैंड्स फॉर, जो वॉर ऑफ रोजेस थे, ये देखो डी ऑप्शन ही छोड़ रखा है, फ्लावर्स गर्ल्स हाउसेस डी लिख रखा है मगर ऑप्शन छोड़ रखा है। इन द वॉर ऑफ रोजेस, रोजेस स्टैंड्स फॉर, वॉर ऑफ रोजेस जो कि इंग्लैंड के सिविल वॉर की बात की जा रही है, जिसमें दो हाउसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर है दो हाउसेस। Now, here I rest. These were the questions जो आज आप लोगों को मैंने करवाए। That's all for today. मिलते हैं कल, bye bye.